अस्सलाम वालेकुम जी बहन भाइयों, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। जी आज का हमने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। शुरू कर दिया है। तो बेगम साहबा लगी हैं मेरी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से मेहनत करने हुए। पहले बर्तन गंदे किए हैं तो अब साफ़ कर रही हैं। गंदे मकसद के कल हमने इसमें पकाए थे चावल, चना पुलाव पकाया था, तो अब जो है ना अच्छे तरीके से उनको साफ़ कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। आप सब की दुआओं से हमेशा खुश रहें, हमें भी दुआओं में याद रखें। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट पूरी करें, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें, और जो न्यू आए वो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो प्लीज़ स्किप ना किया करें। आप लोग वीडियो स्किप करते हैं। कल एक सिस्टर की कॉल आई थी, कह रही मैं वीडियो बहुत शौक से आप भी देखती हूँ। मैंने कहा मुझे दिन में 1000 बंदों की कॉल आती है जी, हम आप वीडियो बहुत शौक से देखते हैं, कौन शौक से देखता है? वो स्किप कर देते हैं, इस तरह फ़ायदा नहीं हमें। आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो स्किप ना करें, फुल वीडियो देखा करें। ट्रैक्टर की किधर आ गया? वो पानी वाले टैंकर जो नहीं, पानी नहीं ना होता गर्मियों में, तो फिर लोग टैंकर डलवा के गुजारा करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, हमारी वीडियो आगे ना किया करें। जिस तरह से जा रही हो रही है, इसको 10-15 मिनट की वीडियो होती है, वो फटाफट गुजर जाते हैं। तो आपने हमें सपोर्ट करनी है तो इस तरह सपोर्ट करें, हमारे व्यूज़ अच्छे आए, व्यूज़ बहुत कम होते जा रहे हैं। सब शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड में, दोस्तों में, फैमिली मेंबर में शेयर किया करें प्लीज़, मेहरबानी। बहुत मेहनत कर रही है, ये देखें ना मेरी बेगम माशाल्लाह कितनी मेहनत कर रही है। ये बताऊँ क्या, ये जो कुंडे होते हैं ना यहाँ से, ये पता नहीं ये आयल निकल रहा होता है यहाँ से, क्या होता है आग से जल जल के ना कुछ हो जाता है। साथ में लकड़ियों में जब से करी है ना, ये देखे ना चमका दिया है। मैंने ना शॉर्ट वीडियो में देखा मीठा सोडा, तो शैम्पू, नमक और क्या उसको कहते हैं सरफ, ये मिक्स करके बर्तनों को चमकाएं, ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं, ये देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अपने हाथ की मेहनत कर रही हूँ। तो इतनी देर मैंने चूल्हे पे इसमें डाल के रखी रखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मीठा सोडा मैं अपने लिए लेके आया था, ज्यादा काले हो गए ये। नहीं नहीं, मुझे ये बताया मीठा सोडा तो मैं अपने लिए लेके आया था, तो मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने जब फ्रिज खोली देखा मीठा सोडा ही नहीं है। आपने वो सारा इस्तेमाल मुझे बताया भी नहीं, ठीक है, ये फिर कितनी बुरी बात है। तो आप किसके? मैं भी तो आपको, लेकिन आप मुझे बताती तो सही ना, मैं मंगवा लेता, लेकिन आपने मुझे बताया ही नहीं है। वो इस्तेमाल आपने कर लिया, जब मैंने फ्रिज खोली देखा तो वो एक चम्मच पड़ा, मुझे 2 चम्मच मीठा सोडा चाहिए था। नहीं नहीं मेरे नहीं है, मेरे नहीं है बर्तन। हाँ, मेरे जेज के हैं। हाँ जी, आपके जेज के हैं। तो करे ये बर्तन ले लिए थे मैंने, मैंने कहा तो मैं इन बर्तनों को क्या करूँगी, आजकल तो आज के डिनर सेट के चलते हैं, तो नॉन स्टिक पे चलते हैं, तो उस टाइम ये मैंने ले लिए, अच्छा होगा। सही, चलें जी इंशाल्लाह ये बर्तन सारे धो लें, तो फिर आपसे रूटीन शेयर करते हैं। हमारे साथ रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना। जी जी बिल्कुल, नहीं उतर रहा छुरी, ये देखें छुरी, उसके बाद ये देखें जी पेचकस, मैं तो ये बीच और ये प्लास, और क्या है जी ये चम्मच, बड़ी चम्मच, फुल मेहनत। चले जी अल्लाह ताला, और वो उधर ब्रश भी नहीं जी, ब्रश वो बच्चे खेल रहे थे। नहीं, जो मैं 5 चीज़ें देख रहा हूँ और साथ में कंघी भी मैं बच्चों ने भी अंदर से अच्छा साथ में कंघी भी, क्या बात है। चलो जी अल्लाह ताला मेरी बेगम की मेहनत को रंग लाए, ठीक है ना, अच्छे तरीके से ये साफ कर लें। मैंने आपको कहा था शलजम लेके आए, आप ये लेके आए जी, आपने तो बैंगन भी कहे थे। बैंगन अब्दुलरहमान कह रहा था मामा तवे वाले राइस बैंगन बना के दें जी जी, तो वो तो बैंगन भी, इसमें सब्जियां तो इतनी महंगी हैं बेताशा, पर मैंने कहा अगर सब्जियां कुछ पकानी है तो सुबह तक के चलो मुर्गी ले चलते हैं, वो पका लेते हैं। हाँ जी, ये मेरे भी आए, वाह जी वाह, क्या बात है। ये किसने दिए? आप ही आंटी ने, आप
आपकी आंटी ने आपकी आंटी ने दिए या आपने नहीं खानी, बच्चों के लिए आई है जी, मैं नहीं खा रही। हाँ, ध्यान से। ये क्या है बब्बर? कितनी आई है? चार, पांच रुपए की है। ये ना सुबह बंटियां लेके आई। हाँ। अजीब सी। ये किसकी है? एक्सपायर थी। आपने खाई है? यास्मीन बाजी, ये लो ना, उसमें ना सवाल चार आई है। हाँ, ये आप आधी ले लो, आधी भाई को दे दो। ये लो, ये आंटी का शुक्रिया अदा करो। हाँ सही है। चले जी, आप जल्दी जल्दी काटें और वक्त आपको जल्दी जल्दी रहती करें ना, आपको पता लगे। जल्दी जल्दी इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मैंने सुबह छुरी तेज करवा के दी है, समझी ना? मेरी जबान से तेज छुरी है। मैं आपको सुस्त नजर आती हूँ। मैंने आपको कोई कहा आप सुस्त हो? पागल कभी माना है कि मैं पागल हूँ? अच्छा, अब मैं पागल भी हो गई हूँ? नहीं, मैंने आज क्या? मैं सालन में ना मिर्चे खूब डालूंगी, इतनी सारी मिर्चे डालूंगी ना, फिर पता लगेगा मैं कहता हूँ। डालें ना, कोई बात नहीं, खानी तो आप नहीं है ना? मैंने खानी? नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, आपके लिए और आपके प्लेट में डालूंगी, सालन में नहीं डालूंगी मैं। ठीक है, इतना बड़ा इंतजाम। हाँ जी, पानी ज्यादा आ गया अभी तो आलू भी गोए ना। तो मैं कह रहा था हमें सब्जी काटने के लिए रोबोट चाहिए। बस तो तैयार कर सो ना, जदू तो फेरी हो सी रोबोट पे हो सब्जी काटने के लिए। मैं हूं सब्जी काटने के लिए, मामा के साथ देने के लिए मैं हूं। अच्छा, वैसे वो काम बोलो भी नहीं करती, इसलिए रोबोट सब्जी काटना पसंद है। नम नम नम, सब्जी काटना पसंद है और काटना पसंद है और रोटी पकाना पसंद है। जो आती नहीं है, जो काम आते सारे काम पसंद है, सारे काम पसंद है। अभी से जब बड़ी होगी ना, फिर सारे ना पसंद होते हैं। नहीं, जो झाड़ू लगाना आता बोलो तो रोती है, वो पसंद नहीं है ना? अभी छोटी है। सही है, ये तो मुझे मार लेना, कभी लाटू खेल रहा है तो कभी क्या लाटू खेल रहा है। लाटू को तो लाटू ही बस इसका बना के तो चलाता रहता है। तो जरा देखे ना, आप दोनों से तो जरा अच्छी है, माशाल्लाह वो पढ़ रही है। जरा कुरान पाक भी माशाल्लाह, सपारा भी पढ़ती रहती है। नहीं, वो तो अलीशा भी माशाल्लाह कुरान पाक कर रहे। बैठे ना बाजी, बैठ जाए ना, पाँव नहीं रखते बेटा, पाँव नहीं रखते। इससे क्या लिख रही हो? इससे स्पेलिंग लिख रही है, देख के कीबोर्ड से देख के स्पेलिंग लिख रही है। किस चीज की स्पेलिंग लिख रही हो? रो क्यों रही हो? रो रही है प्यास। अच्छा, तो सुनी मां सारे करवा रही है। हाँ जी, आप देखिए बाहर कोई आया बेटा? ये मोबाइल की बेल है। मैंने बेल लगाई है, मैसेज बेल। आपने मुझे नहीं ना सिखाया भाई, इसको मोबाइल का तरीका ना आ जाए। मैं उस दिन लगी थी फिंगर लगा, मुझे पता है मेरी बेगम बड़ी तेज है। सेटिंग लिखा हुआ आया, टोन लिखा हुआ आया, मैंने सारी टूने निकाली। अच्छा, इन दोनों से तो ये अच्छी है, देखें ये दोनों फारग बैठे हुए, वो लिख रही है। आप तो लिखो, मोजा मारो अब्दुल रहमान, आपके तो बोर्ड के पेपर होंगे। वो तेरा प्यो बोर्ड नहीं ये वो बोर्ड समझ रहा है पे लगा होता, व्हाइट बोर्ड समझ रहा है। नहीं, अपने स्कूल से बाहर जाके पेपर देते हैं, सख्ती होती है। ये एक फाइव क्लास का बोर्ड का होता है, एक एट क्लास का ये बोर्ड होता है। ये नहीं कि व्हाइट बोर्ड, आप व्हाइट बोर्ड समझ रहे हो, व्हाइट बोर्ड नहीं है। हेलो जी बच्चे ना, अभी समझ नहीं, अभी मेरे पुत्र के बोर्ड के पेपर होंगे तो फिर माशाल्लाह से तैयारी तो काफी ज्यादा हो गई। बेशक स्कूल नहीं जा रहे मगर काफी अच्छा खासा पढ़ा रहे हैं, तो बस आप देखें गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों से दाखिला करवाते हैं, अच्छा सा देखते हैं जो भी होता है। ये लो जी ये छुरी नहीं सही होती, जो मोटर से छुरी तेज हो ना, वो सैकड़ों वाला से सही छुरी नहीं तेज होती। नहीं हुई, नहीं सही, काट तो रही है ना, उससे बेहतर तो है ना कुछ? जी हुआ ही है। नहीं हुआ ही है, इतनी जल्दी पे कटने हो टमाटर तो और क्या है तुसा। शाबाश है, क्या बात है, सही है। चले जी इंशाल्लाह ये काट पीट के, तो जब फिर आपसे ना दोबारा रूटीन शेयर करते हैं। ये आप क्या कर रही थी? इसने ना गिलास में बाउल डाली हुई है।
है बोली डाली हुई हाँ डाल रही थी नहीं बॉल है बीच में बॉल डाली हुई थी आप देखे अभी भी डाली नहीं बॉल नहीं है अभी कुछ मुंता बॉल किधर गई बॉल किधर है मैं जी। चुप आप चुप करो ना जी क्या किया है पैंक थी किधर पैंक थी आपने ये पानी पीने के लिए लिया है तो उसमें बॉल डाल के तो आप इसको नहा रही हो हैं वो फ्रिज के नीचे चली गई फ्रिज किधर है जाओ लेके आओ आप छोड़ दो आयत आयत आप छोड़ दो आयत इसको निकालने दो ये गई जी निकालो बाहर गई है बाहर गई है वो रही छोटी वो सोफे के पास हो रहा था वो रही ये सोफे के पास पड़ी है ये पड़ी है इधर 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 ये पड़ी है वो सोफे के पास आये दोस्त वो सोफे के नीचे देख रही है लेट के मिल के उसने नजर पड़ गई तो क्या हाँ जी वो फेंक दी बड़े खिलाड़ी है सही है बस अभी खाना बनाना स्टार्ट ये तो ये आपकी जोली में क्यों लेट गई है ये पता है मम्मी की लाडली है ये मेरी बड़ी मंतो मरातो की बेटी है पहली बेटी जी अल्हम्दुलिल्लाह पकलो 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 जब मेहमान हुआ था तो उसके बाद मुझे बड़ी शौक थी अल्लाह मुझे बेटी दे फिर अलीशा बहुत मंतों से अलीशा हुई है खुशी से हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे जब अलीशा पैदा हुई थी हम इतना रोए थे खुशी से आंसू नहीं रुक सही बात फिर अल्हम्दुलिल्लाह से बेटियां ही बेटियां माशाल्लाह चार अल्लाह ताला की चीजें हैं नसीब अच्छे करे अल्लाह ताला बस सब बेटियों के नसीब अच्छे करे सही है चलें जी इंशाल्लाह उठें और जी 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 ये वही बात ऐसी नहीं करते ये देख ले मुँह चढ़ा रही है किसको चढ़ाया मुझे हाँ मामा को तो फिर मामा की तरफ मुंह करो ना ऐसे नहीं करते बहुत बुरी बात होती है बुरी बात होती है चोरी आये वो देखो मस्तियां कर रही है उससे अंदर नहीं आ रही छोड़ दो उसको अंदर आने दो आ बुरी बात ओ पानी गिर गया अभी सफाइयां मैंने की हैं ये सफाइयां इधर रहती हैं वो ना क्या नाम है इधर जो पड़ोसी है ना वो अपने छत पे खेलते हैं ना और जो भी शॉट मारते हैं ना वो बॉल उनके घर में उनको ये होता है छत पे जब खड़े हो तो वो आएंगे लेने ये बेचारा 10 मिनट खड़ा रहा अब बाहर तो फिर अंदर ले आया अब ये बॉलों से खेलते हैं सबकी एक एक होगी चार बॉले हो गई है चलें जी इंशाल्लाह उठें उठें जल्दी करें बेगम जी भूख लगी है खाना शाना खाना माशाल्लाह मेरी बेटी के बाल देखे कितने प्यारे हुए हैं मैं तो खा लूँगा तो बच्चे भी हैं ना इतने सारे हाँ ये देखें इसके बाल कितने प्यारे हुए हैं मेरा सोना भी खुद भी तो पा रहा है ना जी जी बहुत पा रहा बड़ी प्यारी मुर्गी तो अच्छा नहीं बच्चों से ना छोटे छोटे काम करवाने चाहिए नहीं मैं आप करवाती हूँ क्योंकि मुझसे कुछ तो नहीं देखिए ना कुछ पता नहीं 100 मसले पड़ सकते हैं कि बच्चों जो ना ट्रेंड होने चाहिए बिल्कुल हर तरीके से तो माशाल्लाह से मामी है आज उम्र पे गई है मेरी भांजी और भाई मेरी मामी जो है मेरी भांजी की सास है और जो आई मेरा और मेरी भांजी की अबू जो है मेरे बिनोई माशाल्लाह सारे उम्र पे गए हैं जो मेरे ये जुआई है ना ये मेरी मामी इन्होंने अपने बेटों को इतना ट्रेन किया था इतने मज़े मज़े के खाने बनाने इन्होंने क्योंकि मेरी मामी की बेटी नहीं, बेटी नहीं थी कुछ और ना करा देना आगे में सीखते नहीं हमारे सर से जा रही बीच में चूल्हे में आ रही है इतने माशाल्लाह ये मेरे दोनों जुआई जो उनसे मेरे दोनों भाजियाँ एक ही घर में दोनों बहनें इतने अच्छे माशाल्लाह तीनों भाई नाइस
इतनी अच्छी तरबियत, हर काम करने इन्होंने घर के, आज माशाल्लाह से तीनों की बीवियाँ इतनी अच्छी हैं, इन्होंने घर संभाल लिया, इतने अच्छे तरीके से रहते हैं। कहने का मकसद ये, उनकी मामा बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो घर का काम संभाल लिया। बिल्कुल, अब जब से शादी हुई है, अच्छे पढ़े हैं, हमारी चाची ने बहुत, और मेरी चाची लगती हैं, मजे की बात है, मेरी चाची ले, मेरी अबू और जो ना उनके अबू आपस में कज़न थे ना, अच्छा। तो हाँ जी, तो मेरी चाची लगती हैं, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, यानी कि हाँ ये भी आपको बताएं ना कि तकरीबन उनकी शादी को पता नहीं कितने साल हो गए थे, तो उनके खामद जो है ना नबीना हो गए थे। हाँ जी, तो फिर उन्होंने घर के काम जो है ना, मतलब बाहर खुद मजदूरी की है, बच्चों को पढ़ाया भी है, अच्छी तरबियत भी की है, अच्छी तरबियत भी की है, अच्छी तरह शादियां भी की हैं, बहुत बहुत मेहनत की, हकीकत बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज मम्मी तो हमारी पहले है ना, तो मेरी बहन तो सास, चलो आप बनिए हमारा, बहुत प्यार, मेरे कजन माशाल्लाह से अच्छी पोस्ट में है, कजन जाहिर बात है मामू के बेटे हैं तो कजन है, मगर वो मुझे कहते हैं छोटी सासू माँ, छोटी सासू माँ, बिल्कुल। तो जग दो मामा का, वाह माशाल्लाह। अब मामा के साथ आपने अच्छे तरीके से काम किया करना है, मामा का जो ना स्कूल डाल देना है, तो बस अच्छी तरीके से जग 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 जग। और ये काम में इतनी माशाल्लाह जो ना बड़ी तेज है, अल्लाह ताला बस इसको इसी तरह तेज रखे, तो दूर हो जाओ इन दोनों को, इधर इधर पीछे हो जाओ प्लीज, कमरे में बंद कर, कमरे में बंद करूं तो फिर उधर बैठेगा कौन, मैं इनको पीछे करता हूं, रोती है पीछे अचानक मान के बाबा, मैं पीछे करता हूं, फिर क्या हो, अच्छे तरीके से जो है बनाने आलू मैंने भूलते, वो बिल्ली चाटियां मार रही है, किधर बिल्ली चाटियां मार रही है, वो रे वो चूहों को देख रही है, चूहों को देख रही है, वीडियो जूम करो ना, ये नहीं नजर आ रही है, उस तरह नजर आ रही है ना उसकी, वो उसकी आंखें कितनी प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, गोल्डन जैसी, वीडियो में तो ना इतनी प्यारी नजर आ रही होंगी, नहीं वीडियो में लाइटें पड़ रही हैं, बिल्कुल छत पे चूहे होते हैं, मानो मानो मेरी बात सुनेगा, जी 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 जी, यहाँ पे ना एक फटा लगा दे यहाँ तक, जो बिल्ली नीचे उतर के छत पे आके चूहे खा जाए, नहीं नहीं वो उधर से उतर जाती है, उतर जाती है वो, सिर्फ ना अभी नहीं आ रही, उतरे तो चूहे ना खत्म हो जाते, इतने चूहे रात को आप सोए होते हैं कसम से, ये दरअसल ना बिल्ली गई थी अपने महके गई हुई थी, अच्छा पिछले दिनों से तब नहीं आ रही थी, अब ना स्कूल खुले हैं तो बिल्ली वापस आ गई, अब उसके बच्चे स्कूल जाया करेंगे, तो आपसे वो हम बातचीत कर रहे थे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जो ना इसकी मामी जानना उम्रे पे जो ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत होंगे ना, तकरीबन यहाँ से 3 बजे फ्लाइट थी ना, मजे की बात 3 बजे फ्लाइट थी, 3 बजे पहुंचे, तो आज उनकी मेहनत का सिला उनको मिल गया आज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी मुलाकात नहीं हो सकी इंशाल्लाह, अगर वो वापस आए तो हो गए उनको 2-3 महीने, हाँ नहीं 4-5 महीने, 4-5 महीने हो गए, क्योंकि मामी ने इद्दत काटी है तो फिर उम्र, फिर उम्र के लिए देंगे बिल्कुल, और ऐसी इद्दत काटी है कि जब हम गए थे वहाँ पे ना तो किसी से भी नहीं मिले थे, जेठ मेरा देवर मेरे मियां गए वो नहीं थे मिले, गैर तो किसी गैर महरम से वो नहीं मिली, बाहर तो निकली नहीं, अपने को मिल लो तो दूसरों को ना मिलो, जी जी उन्होंने इतना बड़ी जबरदस्त काटी, मेरी मामी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक उनका और मेरे बिनोई का, मेरी भांजी सबका उमरा कबूल करे, करने गए, मैंने कहा जैसे उतरोगी अपनी भांजी को, मैंने कहा मनाजा सबसे पहले मेरे लिए दुआ करना, मैं बड़ी मुसीबतों में हूँ, अल्लाह ताला मेरी मुश्किलें दूर करे, सबकी अल्लाह करे, सबके सबके मेरी अल्लाह मुश्किलें दूर करे, मैं इतनी परेशान हूँ, अल्लाह मेरी मुश्किलें दूर करे, तो इंशाल्लाह व्यूअर्स आप सब भी दुआओं में याद रखना, और वीडियो मैंने आपको कहा था स्किप नहीं करनी, तो आज मैं व्यूज इंशाल्लाह देखूंगी मेरे व्यूज कितने, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, हमेशा खुश रहे, अल्लाह हाफिज़, मैंने रोटियां पकानी है, लव यू, लव यू।